इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच से भी कांग्रेस को छटका। अक्षय की नाम वापसी के खिलाफ दायर अपील खारिज। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल को अपील शनिवार दोपहर में खारिज कर दी है। कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बाऊ की नाम वापसी के बाद मोती सिंह ने कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की अपील की थी। जस्टिस एस ए धर्मकाधिकारी खंडपीठ में शुक्रवार दोपहर पटेल की अपील पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 30 अप्रैल को पटेल की याचिका खारिज की थी। इसी के खिलाफ उन्होंने अपील की गई थी। अब कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः 5 मई तक अपील दायर करा दी जाएगी। मोती सिंह पटेल के वकील बिम्बोर खंडेलवाल ने हाईकोर्ट डबल बेंच से अपील खारिज होने की पुष्टि की है। उन्होंने फैसले की कॉपी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की अपील की भी बात कही। दरअसल कांग्रेस के मुख्य प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बाऊ के नाम वापसी ले जाने के आधार बनकर पटेल उम्मीदवारी का हक मांग रहे हैं, जबकि उनका नामांकन स्क्रूटनी में रद्द हो चुका है। इसके पीछे तर्क है कि पटेल ने कांग्रेस की ओर से फॉर्म बी स्क्रूटनी के दिन पेश नहीं किया, न ही निर्दलीय के रूप में मैदान में बने रहने के लिए 10 प्रस्तावकों को शामिल किया था। उन्होंने सिर्फ एक प्रस्तावक रखा था। अपील पर फैसला आने के बाद कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल ने कहा कि मेरे द्वारा उठाए गए विधिक बिंदुओं पर हाईकोर्ट के निर्णय से मैं असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के लिए कानूनी सलाह ले रहा हूँ। विधि विशेषज्ञ के अभिमति के आधार पर फैसला लूंगा। बता दें खंडपीठ में शुक्रवार सुबह सुनवाई 11:45 में शुरू हो गई, जो कि करीब 1.25 घंटे चली। मोती सिंह पटेल की ओर से एडवोकेट बिम्बोर खंडेलवाल ने पक्ष रखा, जबकि सामने चुनाव आयोग की वकील आई थी। हाईकोर्ट ने पटेल के वकील से पूछा कि आपके 10 प्रस्तावकों के साइन कहाँ हैं, इसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एडवोकेट खंडेलवाल ने कहा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए केवल एक ही प्रस्तावक के साइन मान्य है जो कि किए गए हैं। 10 प्रस्तावकों के साइन निर्दलीय उम्मीदवार को चाहिए। निर्वाचन आयोग ने हमें सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। इस पर निर्वाचन आयोग की वकील की ओर से जवाब दिया गया कि रिजेक्ट होने के बाद आवेदन पर आपत्ति भी नहीं ली गई थी। बता दें अक्षय के नाम वापसी के खिलाफ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट पटेल ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका लगाई। 30 अप्रैल को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने कहा जिस सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है वो अब दौड़ में ही नहीं है। उसका फॉर्म तो नामांकन की स्क्रूटनी के समय ही रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस पर आपत्ति है तो अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाले मोती सिंह पटेल की याचिका भी खारिज कर दी। 30 अप्रैल को इसी खारिज हुई याचिका के खिलाफ खंडपीठ में अपील की गई, जिस पर आज दोपहर सुनवाई हुई। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।